अंधेरी रात थी जहां परछाई तक न स्वयं के साथ थी। वह घनी अंधेरी रात थी जहां परछाई तक न स्वयं के साथ थी। सन्नाटा इतना कि धड़कने खुद को सुनाई दें, सन्नाटा इतना कि धड़कने खुद को सुनाई दें और खुद के पैरों की ध्वनि का डर चेहरे पर दिखलाई दे। पर वह फिर भी चल रहा था, पर वह फिर भी चल रहा था। पीछे से आती ध्वनि को मरीचिका समझ रहा था। उसको दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी थी, उसको दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी थी। आखिर व्यवस्था के खिलाफ कलम जो चलानी थी, उसको दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी थी। आखिर व्यवस्था के खिलाफ कलम जो चलानी थी, कलम जो उसकी ताकत थी, कलम जो उसकी ताकत थी, कलम जो उसका आक्रोश थी। जब दूसरों को लूटने वाले बुत बन बैठे थे, तब वो अकेली कलम थी जो न खामोश थी। आज वह कलम फिर से किसी के खिलाफ उठने वाली थी, आज वह कलम फिर से किसी के खिलाफ उठने वाली थी। हाँ, वह व्यवस्था को आईना दिखलाने वाली थी। लेकिन तभी अचानक छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बचाओ। कुछ प्रतिध्वनियां आसमान में गूंज उठी, शांत वातावरण को बेदती एक चित्कार उठी। रक्त रंजित कुछ तलवारें एक देह के पार थी, रक्त रंजित कुछ तलवारें एक देह के पार थी। आखिर वो देह ही तो कलम का आकार थी। अगले दिन छपकर आया यह अखबारों में, अगले दिन छपकर आया यह अखबारों में। पत्रकार का खून लगा है कुछ अज्ञातों की तलवारों में। देखकर यह आवाम क्रोध से सरागोश थी। पर हां, किसी की कलम खामोश थी। एक चर्चा दबी जुबान शुरू हुई। कुछ बातें बस कानों कान हुई। वह रक्त चढ़ा था सत्ताधारियों का अभिषेक कराने को, सफेद पोशों के कपड़ों पर लगे दाग मिटाने को। खाकी ने भी खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कंधों पर लगे सितारों की शायद जेब मजबूरी थी। फिर क्या था, कुछ आवाजें तो उठी ही थी न्याय दिलाने की, जनता की आवाज को इंतकाम दिलाने की। पूरा जंतर मंतर मोमबत्तियों से सराबोर था। चारों ओर निकलती शांति यात्रा के पदचापों का शोर था। पर किसी को कोई ना आस थी, क्योंकि उसकी कलम खामोश थी। हाँ, सभी की कलम खामोश थी। शुक्रिया। Record your poetry, shayari, story with music only on Nojoto app. Download the app now.